रामनवमी पर शहर में भड़की हिंसा मामले में करीब 200 से अधिक दंगाई गिरफ्तार हुए थे। इनके खिलाफ पुलिस की सख्त कार्यवाही के चलते जमानतें नहीं हुई हैं। पिछले 10 माह से पुलिस से छिपते फिर रहे रिटायर्ड एएसआई नासिर अहमद पिता नजीर अहमद निवासी तवड़ी मोहल्ला तक भी पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार किया। शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि नासिर पर आरोप है कि वह दंगे में शामिल थे। पुलिसकर्मी के पद पर रहने के बाद दंगों जैसे गंभीर मामले में शामिल होने की स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने नासिर अहमद की पूर्व में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लोगों के घर जला दिए गए और घरों में घुसकर लूटपाट भी की गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। रिटायर्ड एएसआई के खिलाफ भी पथराव, तोड़फोड़, आगजनी और विस्फोट के मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। 2022 को जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसमें तवड़ी मोहल्ले की एक प्रथम सूचना में नासिर खान जो है नामजद आरोपी थे और उसके बाद जब से ही फरार थे और इस मामले में 4 नामजद आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। 1-2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत भी लगाई थी, लेकिन वो अग्रिम जमानत भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह साहब द्वारा इसकी इनाम गिरफ्तारी पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। कल कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सिविल लाइन इलाके में देखा गया है इनको, तो एक पुलिस टीम ने इनको पकड़ा है और गिरफ्तार किया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ तवड़ी मोहल्ले की दर्ज की गई थी जिसमें कि 4 नामजद आरोपी थे और 2 अन्य थे, जिसमें बाकी लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कल सूचना मिलने पर डायवर्शन रोड के पास से जो सिविल लाइन का इलाका है वहां से नासिर खान पिता वजीर खान मुसलमान उम्र 65 वर्ष अल्लाह वाला मार्ग को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दिया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी। कल सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। आज उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। रिटायर्ड थे पुलिस कर, ये पूर्व में पुलिस में काम किया है, एएसआई थे और करीब 3-4 साल पहले रिटायर हुए। इस तरह से संलिप्त ये प्रथम सूचना के अनुसार जो वहां पर तोड़फोड़ हुई थी उनके नेतृत्व में वहां पे पथराव वगैरह किया गया था और कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई थी। आरोपी को कोर्ट में पेश किया था, तो जेल का भी अभी आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और जहां से जुडिशियल रिमांड मांगा गया है, जैसा भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।